हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ बैंगलोर सिटी में और यहाँ का वेदर मतलब कमाल है यार। बहुत बहुत बढ़िया वेदर है। ऐसा नहीं है, बहुत ठंड नहीं है और गर्मी तो बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत अच्छा सुहाना मौसम है। तो कल किसी का कमेंट आया था कि जो मैंने PDF बना रखा अपने काम का, उसको किस तरीके से बनाना है, उसकी जो डिटेल है उसके बारे में आज आपसे बात करूँगा। तो फर्स्ट क्या है, आप अपने सारे काम को, एक तो फोटोग्राफ खींचो सबका, ठीक है। अब क्या है, आप कुछ स्केचेस करते हो, कुछ पेंटिंग करते हो, कुछ ऑयल पेंटिंग करते हो, कुछ कॉन्सेप्चुअल वर्क करते हो, उनका अपना अपना एक डाटा बनाओ, ठीक है। कुछ काम होते हैं जो हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको आप इसमें ऐड मत करना। इसमें जो आपके फाइनल वर्क हैं, है ना, आप उसको ही ऐड करो। एंड ऐसे वर्क जो जिनकी कंडीशन भी अच्छी है, लाइक वो कहीं से कटा फटा नहीं है, आपका काम बहुत सुरक्षित सेफ काम है, वो उसको अच्छी तरह से उसकी फ़ोटो खींचो। एंड उसका सही डायमेंशन, उसका इंच कितने इंच का है, फिर कितने फीट का पेंटिंग है, उसको एक नोट डाउन करो एक लिस्ट के अंदर। देन क्या करना है, आपको ऐसे स्लाइड्स बनाने हैं। अब ये स्लाइड्स कैसे बनाने हैं, ये आप चाहो तो गूगल पे जाके पता करो, मैं आर्ट की बात करूँगा, ठीक है, कि एक PDF बनाने के लिए स्लाइड्स कैसे रेडी करते हैं। तो फर्स्ट आप पेज देख रहे हो मेरा, मैंने यहाँ पर अपना एक बना रखा है, ये मेरी पेंटिंग है और उसके ऊपर मैंने लिख रहा है कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स बाय MK गोयल, ठीक है। तो आप भी अपना ऐसे कुछ लिख सकते हो, अपनी पेंटिंग्स को आप क्या नाम देते हो, और जो कैटेगरी है, जैसे मैंने जो कैटेगरी बनाई थी, मैंने बनाई थी कैटलॉग 2021 का, ठीक है। बट अभी क्या है, इसके अंदर मैं काम प्लस करता रहता हूँ, तो 2021 हटा के 2023, 2024, 2022 ऐसे कर सकते हैं। उसमें क्या है, नेक्स्ट पेज जो है आपका, वो आपके काम के बारे में है और आपके बारे में है। तो उसमें मैंने अपनी एक फ़ोटो लगा रखी है, ब्लैक एंड वाइट, बहुत डिसेंट फोटो लगनी चाहिए, और ऐसे सेल्फी वेल्फी लेके मत डालना उसके अंदर, ठीक है। ऐसे एक डिसेंट सी फोटो कोई डाल देना, ऊपर अपना नाम लिखो। अब इसके नीचे जो लिखा है वो मेरा अपना एक वो है आर्ट का, ठीक है। आप क्या लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि भाई आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, और आप किस तरीके का काम करते हो, फिगरेटिव करते हो, एब्स्ट्रैक्ट करते हो, या आपकी कितने साल की जर्नी रही है, उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। अगर आपने पास्ट में कुछ एग्जीबिशंस करे हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स आपने पार्टिसिपेट किया है, या कुछ भी आपका जो आर्ट में कंट्रीब्यूशन है ना, आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो। वो आपका अपना अपना होगा, है ना, किसी ने कुछ कॉम्पिटिशन्स जीते भी होंगे, उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा, तो आपको पता है कि आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन करे हैं, एग्जीबिशन करे हैं, और कौन कौन सी पेंटिंग आपकी अवार्ड मिला है आपकी पेंटिंग को, वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड आपकी जो सीरीज़ है काम की, आप उसके बारे में लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने अपने भारत सीरीज़ के बारे में, ब्रह्म सीरीज़ के बारे में, एंड जो एक मेरी साधु सीरीज़ है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका अपना अपना एक हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को ऐड करो। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है। जैसे आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे सारी की सारी भारत सीरीज़ की पेंटिंग है, ठीक है। यहाँ जितनी पेंटिंग है सारी भारत सीरीज़ की हैं। इसके बाद नीचे जाओगे तो ब्रह्म सीरीज़ की पेंटिंग है, उसके बाद और नीचे जाओगे तो मेरे कुछ स्टिल लाइफ वगैरह बनाई हैं, उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। मेरे पास काम बहुत है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर बहुत कम काम डाल रखा है। जो क्वालिटी वर्क होता है ना, वो ही मैंने यहाँ पर डाल रखा है। अगर मैं एक एक स्केच को नोट डाउन करके यहाँ पर ऐड करूँगा तो काम का PDF बहुत ज़्यादा होने वाला, और मैं नहीं चाहता वो स्केचेस जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए करा उसको मैं सेल आउट करूँ। वो मेरी एक जर्नी का पार्ट है, उसको मैं कभी सेल नहीं करूँगा, ठीक है। वो बहुत सारा है और मैं कभी उसको, मतलब बहुत है ना कि कुछ हम स्केचेस कर देते हैं और हम चाहते हैं कि चलो छोड़ा यार, तो रखना चाहिए अपने पास, रख लो, ठीक है। पेंटिंग्स बनाओ और कुछ फाइनल वर्क बनाओ, उसको ही सेल आउट करो। इसको बनाना कैसे है, एक तो जो सारी स्लाइड्स होंगी वो एक ही साइज़ की रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने एक साइज़ ले रखा है यहाँ पर 1280x820 पिक्सल, ठीक है। ये एक रेशियो बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो एक ही स्लाइड लो और उसको डुप्लीकेट कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लाइड को कैसे बनाना है सीख लेना, ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा ना तो मैं iPad के लिए बता सकता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर, ये प्लस का ऑप्शन है, ये प्रोक्रिएट ऐप है जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पर देखो कैनवास साइज़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कैनवास साइज़ लिखे हुए हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्लस पे करके खुद भी अपना एक साइज़ बना सकता हूँ, ठीक है। बट मैंने क्या कर रखा है, जैसे यहाँ पर मैंने एक स्लाइड रेडी करी है, ठीक है। ये स्लाइड रेडी कर ली है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा सेलेक्ट,
और मैं ऐसे डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है यहाँ पर, डुप्लीकेट, तो मैं डुप्लीकेट करता रहूँगा इसको, ठीक है। ये सीख लेना, इतना मुश्किल नहीं है यार, ठीक है। इसको सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने काम की, मुश्किल क्या है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर प्यार करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अपने काम से प्यार करते हो ना, एक एक काम की फ़ोटो खींचो, उसका एक पेपर पे बनाओ पहले लिस्ट, कि एक एक पेंटिंग का क्या क्या टाइटल है, उसका साइज़ क्या है, उसका प्राइस भी लिख सकते हो, उसका प्राइस क्या है और उसका मीडियम क्या है, सारा एक पेपर पे नोट डाउन करो, फिर एक एक उसको ऐसे स्लाइड बनाओ। और जब आप ये सब रेडी कर लोगे ना, अब आपके पास में कुछ है एज एन आर्टिस्ट, आपने क्या कुछ करा है अपने लाइफ में वो आपके पास है, उसको शेयर करो। शेयर किस साथ करोगे, गैलरीज के साथ करो, अगर आपको कोई रीच आउट करता है पेंटिंग्स के लिए उसके साथ में शेयर करो। क्योंकि मैंने नोटिस करा है लोग ना बस ऐसे ही शेयर कर देते हैं कुछ भी, उनको बोलो अपना काम भेजो तो बस फोटोज़ भेज देते हैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, ना टाइटल ना साइज कुछ है ही नहीं वो से। तो किसी की भी फ़ोटो आप सेव करके भेज सकते हो, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपकी पेंटिंग है। इसलिए बहुत प्रोफेशनली काम करो, इस तरीके से स्लाइड बनाओ, एक PDF रेडी करो एंड इसको शेयर करो, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।